बच्चों, हमने प्रश्न संग्रह 20 तक कर लिया था, अब हम लोग प्रश्न संग्रह 21 करेंगे। 21 आप लोग देख रहे हैं, मैं पेज पलट रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 21, प्रसंग्रह 21 आप लोगों को दिख रहा है, प्रसंग्रह 21 बढ़िया तरीके से। अब उसको हमको करना है, प्रश्न संग्रह 21, ठीक है। प्रश्न संग्रह 21 में आप लोग ध्यान दोगे, संलग्न आकृति, प्रसंग्रह 21, संलग्न आकृति कोण ACD, कोण ACD, प्रसंग्रह 21, कोण ACD कितना अंश है? 140 अंश है। तो प्रसंग्रह 21 का हम लोग पहला सवाल लगाएंगे। प्रश्न पहला, संलग्न आकृति ACD में, संलग्न आकृति में ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है पूरी आकृति, उसमें ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। उत्तर, कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण कोण है, ठीक है। ये इसका बहिष्कोण है, ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, ठीक है। तो जब ये बहिष्कोण है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस कोण और इस कोण दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 180 अंश। मीन्स मेजर एंगल ACB प्लस मेजर एंगल माने कोण ACD बराबर 180 अंश। कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का बहिष्कोण हो तो इन दोनों का टोटल जो होता है वह कितना होगा? 180 अंश के बराबर, ठीक है। कोई त्रिभुज और उस त्रिभुज के कोण का बहिष्कोण, समझा ना, कोई कोण से संलग्न उस त्रिभुज के बहिष्कोण, दोनों का टोटल 180 अंश होता है। कोण AB मेजर एंगल A बराबर मेजर एंगल B दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों का माप दिया हुआ है, दोनों समान माप के हैं। मेजर एंगल ACD बराबर 140 अंश, तो मेजर एंगल A और B का माप ज्ञात करो। तो मेजर एंगल A और मेजर एंगल B बराबर क्या होगा? तो यदि ये 140 अंश है तो ये कितना होगा? 40 अंश, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो मेजर एंगल ACB मेजर एंगल ACB बराबर 180 में से 140 घट गया, बराबर कितना आ जाएगा? 40 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 180 में से 40 निकल गया, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B बराबर हो जाएगा 140 अंश। दोनों बराबर हैं इसलिए मेजर एंगल A बराबर हो जाएगा
70 अंश, मेजर एंगल बी बराबर हो जाएगा 70 अंश, दोनों 70 70 अंश के हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर हैं तो 7 7 14 140 अंश, दोनों 70 70। प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरे में पढ़िए, दिया हुआ है संलग्न आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर शेष कोणों के माप लिखो। बच्चों एक ऐसे गया है रेखा, दूसरी रेखा इस तरह गई है, तीसरी रेखा यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ पर है 8y, यहाँ है 6y, यहाँ है 4y, ठीक, यहाँ है ए बी सी डी ई और एफ, ये सारी रेखाओं का नाम है, वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही। बच्चों ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ये 6y है तो ये 6y हो जाएगा, ये 4y है तो ये 4y हो जाएगा, ये 8y है तो ये 8y हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अब इन सब कोणों का माप हमको निकालना है, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार टोटल सबको जोड़ देंगे, 6y प्लस 8y प्लस 4y प्लस 6y प्लस 8y प्लस 4y, टोटल कितने कोण हैं, 1 2 3 4 5 6 कोण, ये टोटल हो जाएगा 360 के बराबर, सब 360 हो जाएंगे। ये कौन सा कोण है, पूर्ण कोण है, पूरा मिला के 360 के बराबर हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, 8 6 14 4 18 2 20 4 24 24 6 30 2 32 32 और 4 36, 36y बराबर है 360 अंश, तो इसलिए दोनों तरफ 36 को भागे कर देंगे, आप लोगों को दिख रहा है 36 से 36 चला जाएगा, 36 से कम 36 10, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 10। इसलिए प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक कोण का माप 6y बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 10 बराबर 60 अंश, 8y बराबर 8 × 10 बराबर 80 अंश, 4y 4 × 10 बराबर 40 अंश, ठीक है, तो ये सारे कोणों का माप हो जाएगा। इस तरह सारे कोणों के मापों को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, आप लोगों को देखने में आ रहा होगा सम्मध्यबाहु त्रिभुज में प्रश्न तीन उत्तर तीन। बच्चों दिया है सम्मध्यबाहु त्रिभुज एबीसी में, सम्मध्यबाहु मतलब दो समान भुजाएं जिसमें हो, जिस त्रिभुज में, मान लो ये दोनों त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा ए बी सी, का नाम हो जाएगा ए बी सी। सम्मध्यबाहु बाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और बी के मान समान है, ए और बी के मान क्या है, ए और बी के मान समान है, ए और बी के मान समान है, ठीक है, ए और बी का मान समान है, तो इनको ए, नाम को जरा चेंज करना पड़ेगा, नाम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चों, नाम को चेंज करना पड़ेगा, नाम हम लोग चेंज कर देंगे,
नाम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा सी, तो ए और बी के माप समान, कोण ए और बी के माप समान है। कोण ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, ए सी कोण ए सी डी, तो इस भुजा को आगे लेनी पड़ेगी, ये भुजा आगे चली गई तो यहाँ पे बहिष्कोण हो जाएगा कोण ए सी, ए सी डी। ए बी सी का बहिष्कोण है, ए बी सी का बहिष्कोण है, ए सी बी तथा ए सी डी, ए सी बी, ए सी बी तथा ए सी डी, ए सी डी के माप क्रमशः मेजर एंगल ए सी बी बराबर 3x-17 अंश, मेजर एंगल ठीक है, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेजर एंगल ए सी डी, ए सी डी बराबर 8x-10 अंश, ये दोनों मेजर एंगल ए सी बी, ए सी बी इसका माप और ए सी डी, मतलब ये दोनों का आपस में, ये दोनों कोणों का माप आपस में ये दिया गया, इसका मतलब इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल ए सी डी बराबर 180 अंश, ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी बराबर 180 अंश, क्यों, बहिष्कोण त्रिभुज के बहिष्कोण गुणधर्म द्वारा, त्रिभुज के बहिष्कोण गुणधर्म द्वारा, ठीक है, तो इसलिए तो ए सी बी और ए सी डी का माप ज्ञात करो, तो इसलिए अब यहाँ पे ए सी बी का माप क्या है, कोष्टक में 3x-17 अंश, फिर प्लस ए सी डी का माप क्या है, 8x-10 अंश बराबर 180, ठीक है, ये 180 आ गया। अब 3x-17 + 8x + 10 बराबर 180 अंश, इसलिए 8 और 3 11x, माइनस 17 में से 10 गए 7 बराबर 180 अंश, 11x बराबर 180 अंश प्लस 7, x बराबर दोनों के नीचे बटे 11 कर देंगे 187, यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, x बराबर 11 कम 11, 11 × 7 = 77, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया x का मान, ये हो गया x का मान, ठीक बच्चों, उसके आगे हम हमको हल करना है वो आप ध्यान में रखिए, उसके आगे हमको हल करना है, यह हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 21, प्रश्न संग्रह 21 का तीसरा, अब हम लोग निकालेंगे मेजर एंगल ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना अंश आएगा, 3x-17, x का मान कितना आया है, 17 - 17, 17 × 3 = 51, 51 - 17, 11 में से 7 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 34 अंश, फिर है मेजर एंगल ए सी डी बराबर
ए सी डी क्या है, 8x + 10, 8 × 17 = 10 बराबर हो जाएगा 17। x का मान हमने क्या लिखा है बच्चों, 17 लिखा, ठीक है। x का मान हमने क्या लिखा है, 17 लिखा, ठीक। x का मान हमने क्या लिख दिया, 17 लिख दिया, x का मान 17, 8 × 136 = 10, 136 और 10 कितना हो गया, 146, ठीक है। तो बच्चों ये 146 तो ये कोण का माप, ठीक है। प्रसंग्रह 21 हमने किया, प्रसंग्रह 21 में हमने देखा, प्रसंग्रह 21 ध्यान से सुनो, प्रसंग्रह 21 में हमने देखा, हम लोगों ने प्रसंग्रह 21 में 70-70 माप निकाला, फिर इन तीनों कोणों का माप, बहिष्कोण दोनों 180 अंश होता है, बहिष्कोण 180 अंश, ये दोनों कोण बराबर थे, ये 140 है तो बचा 40, दोनों मिलाकर 180 अंश हो गया, ये टोटल 360 होगा। एक्स का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ने देख किया। बच्चों एकदम अच्छे से वीडियो को देख लो, एकदम अच्छे से उतार लो इसको, इसको भी एकदम अच्छे से उतार लो, देख लो बढ़िया तरीके से, इसको भी बढ़िया तरीके से एकदम उतारो, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से इसको उतार लो। इस तरह हमारा प्रसंग्रह 21 समाप्त हुआ। इसको समझ के, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा फ़ोन कॉल करके पूछ लेंगे, नए पीरियड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।